तो दोस्तों गांव में रह करके जो है सारे काम करने पड़ते हैं। अब ये गढ़ा लेकर के गेहूं का गढ़ा लेकर के जाता हूं घर को। गांव गांव में सरकार द्वारा पॉली हाउस बांटे गए हैं और पॉली हाउस में आप देख सकते हैं कितना शानदार लग रहा है। हरियाली वगैरह इसमें बहुत अच्छा लग रहा है, आपको लगेगा कि बहुत ही अच्छा है, सब्जी बो रखी है क्या है टाइप का आपको दिखेगा ये। लेकिन कुछ खेतों के अगर आप गेहूँ देखेंगे तो आपको बहुत ही शानदार नज़ारा लगेगा कि आपको लगेगा कि बहुत ही बढ़िया गेहूँ हो रखे हैं। लेकिन अगर आपको तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे हमारे खेत जो है बंजर हो चुके हैं। ये एक वक्त में ऐसा था कि यहाँ पर, तो दोस्तों एक तो गेहूं वैसे नहीं हुए हैं और दूसरा हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो दोस्तों अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। तो दोस्तों आज मैं पहुंचा हूं अपने गांव में सांगड़ा की तया में और इस वक्त हमारे इधर चला हुआ है गेहूं काटने का काम और मैं हूं आपका दोस्त लक्ष्मण सिंह बिष्ट और आप देख रहे हैं पहाड़ के रंग, द शेड्स ऑफ पहाड़। तो दोस्तों हमारे पहाड़ों में गेहूं कटना शुरू हो चुका है और मैं यहां जा रहा हूं अपने गांव में, हमारा जो खेती है सांगड़ा की तया में, तो वहां पर जाता हूं और आपको दिखाता हूं कि हमारे पहाड़ों में जो है गेहूं कैसे हो रखे हैं। और जब पानी नहीं होता है तो पानी के बगैर हमारे गेहूं के क्या हाल होते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ अपनी आज की वीडियो में। और कैसा लग रहा है हमारे जरिए जाने में, कैसा लगता है पहाड़ों में दोस्तों, बहुत ही शानदार नज़ारा होता है, बहुत ही आनंद आता है पहाड़ों में चलने में और थकाई भी जो है, जो थकान होती है वो भी खूब लगती है क्योंकि पहाड़ों में भी आपको चढ़ना पड़ता है। एक जगह पर हमारी खेती नहीं होती, छोटे छोटे हमारे खेत होते हैं अलग अलग जगह पर, कोई खेत यहाँ कोई खेत वहाँ, तो आप ये मान के चलिए कि हमारे खेतों के बीच की जो दूरी होती है वो 2-3 किलोमीटर की भी होती है, तो उसमें भी बड़ी समस्या आती है क्योंकि हमारा जो गट्ठर होता है गेहूँ धान वगैरह का उसे हम अपने सिर पर लाद करके ले जाते हैं। तो और मैं जा रहा हूँ अभी ये सांगड़ा की तया में और सांस भी फूलती है दोस्तों, क्योंकि आप तो अगर जाते होंगे तो प्लेन्स में जाने में भी आपकी सांस फूल जाती है, तो ये तो फिर पहाड़ है, पहाड़ों में सांस तो अपना आप ही फूल जाती है अगर आप खाली हाथ भी जाते हैं तो। और कितना शानदार नज़ारा यहाँ का,
और खेत, लेकिन दोस्तों देख रहे हैं जितने भी हैं सारे चौपट हैं, खेतों में कुछ भी नहीं है। और जो शुरू में जो अनाज हुआ भी था तो लोगों ने उसे अपने गाय भैंस वगैरह के लिए, जानवरों के लिए काट दिया था। तो अब हम पहुंच रहे हैं ये सांगुड़ा की तया में, और यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको कैसे हो रहे हैं हमारे गेहूँ। दोस्तों कुछ खेतों के अगर आप गेहूँ देखेंगे तो आपको बहुत ही शानदार नज़ारा लगेगा, कि आपको लगेगा कि बहुत ही बढ़िया गेहूँ हो रखे हैं। लेकिन अगर आपको मैं थोड़ा सा इससे आगे को ले जाऊँ तो आप देखेंगे खेत सारे बंजर हैं, और इधर जो खेत आपको दिखाई दे रखे हैं इनमें कुछ नहीं हो रखा है, और जो थोड़ा बहुत होगा भी तो वो जानवरों के लिए लोगों ने काट दिया। और ये देखिए खेत बिल्कुल जो है लाल हो चुके हैं। तो दोस्तों ये है हमारे यहाँ के गेहूँ, इतने छोटे छोटे हो रखे हैं आप देख सकते हैं, क्योंकि बारिश वगैरह कुछ होती नहीं है, क्योंकि हमारी जो खेती होती है बारिश पर ही होती है, और बारिश ना होने के कारण हमारी खेती ख़त्म है, गेहूँ वगैरह सारा सब ख़त्म है। और मेरा लोगन भी मेरे साथ आया है घूमने के लिए। तो दोस्तों एक तो गेहूँ वैसे नहीं हुए हैं, और दूसरा जो थोड़े बहुत बाल थे उनको चूहों ने काट कर अपने ये क्या कहते हैं इसको उसमें ले गए हैं, बिल में ले गए हैं, और मेरा लोगन जो है उसके बिल को खोदने पर लगा हुआ है। ये देखिए, और लोगन लगा हुआ है बिल खोदने में, और सोच रहा है कि वो चूहे को जो है बाहर निकालेगा। ये तो दोस्तों एक तरफ तो आपको लगेगा कि इधर जो है बहुत ही शानदार गेहूं हो रखे हैं, और अगर आप साथ ही अगर थोड़ा सा इधर को देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे हमारे खेत जो है बंजर हो चुके हैं। ये एक वक्त में ऐसा था कि यहाँ पर पूरी जो है हमारी खेती होती थी, अच्छा खासा अनाज होता था, लेकिन आज सारा खेत बंजर हो चुके हैं। और मैं आपको और आगे लेकर के चलता हूँ, अगर इधर से मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए, तो आप देखने से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने खेत इनमें से बंजर हैं और कितने खेतों को आबाद किया हुआ है। ज़्यादातर खेत बंजर हो गए हैं दोस्तों पानी के अभाव में, और बंदर लंगूर सुअरों के कारण। तो दोस्तों एक तरफ तो आपको वहाँ उधर दूर में गेहूँ दिखाई दे रहे हैं, खेत में अच्छे खासे गेहूँ दिख रहे हैं, और दूसरा आप इस खेत में देख सकते हैं कि कितने गेहूँ हैं। ये दो दो चार चार बाल आपको दिख रही होगी, दो चार चार पौधे इसकी, बस इतना ही है। बाकी ये मेरा लोगन लगा है चूहे का बिल को खोदने में। तो दोस्तों एक ये भी खेत है, आप इसको देख सकते हैं, इसमें हो रखा है कन्या, कन्या के जो कान हैं ये हो रखे हैं, और इसके चक्कर में यहाँ जो है खेत में कुछ भी नहीं हो रखा। गेहूँ के तो एक एक पौध बहुत दूर दूर में दिखाई दे रही है, और आप देखिए पूरा खेत जो है ये सिर्फ कन्या के कान से भरा हुआ है, जबकि हल भी जोता गया है और गेहूँ भी इसमें बोया गया है, लेकिन हो रखा है सिर्फ कन्या कन्या कन्या। तो ये हाल है दोस्तों खेत का, पहाड़ की खेती का। और ये देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं, तो यहाँ से लेके उधर तक का ये खेत है, इसमें तो यहाँ से कन्या कन्या। तो दोस्तों मैं आपको लेकर के चलता हूँ आगे को, और आगे आपको दिखाते हैं कि और क्या स्थिति है। और आप देख सकते हैं ये इधर भी पूरा झाड़ झाड़ है, खेत बंजर खेत दिखाई देंगे आपको दूर दूर तक का। जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये खेत है, लेकिन अब ये बंजर हो चुके हैं। कुछ तो लोग छोड़ करके चले गए हैं, और कुछ लोग जो है उन्होंने खेती करना ही छोड़ दिया है।
और मैं आपको दिखाता हूँ ये खेत भी जिसमें इसमें भी कनिया वगैरह भी हो रखा है और हरियाली भी बहुत दिख रही है और लगने को बहुत अच्छा खेत लग रहा है, लेकिन इसमें है क्या मैं ये आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों हरियाली वगैरह इसमें बहुत अच्छा लग रहा है, आपको लगेगा कि बहुत ही अच्छा है, सब्जी बो रखी है क्या है इस टाइप का आपको दिखेगा ये, लेकिन ये सब है कन्या है वो दोस्तों, कन्या के जो कांटे होते हैं वो पौध इसमें रह गई है। और कहते हैं कि अगर ये पौध अगर आपके खेत में होती है तो ये आपके खेत को जो है बंजर कर देती है। तो इस खेत में पूरा जो है ये कन्या के कानी यही लगे हुए हैं। ये देखिए पूरे खेत में जो है यही सब हो रखा है और कुछ भी नहीं है इसमें। इसमें तो गेहूं का एक पौध भी नहीं दिख रही है, एक भी पौध नहीं है गेहूं की, बस सब घास और ये सब है और लेकिन खेत जोता हुआ। और दोस्तों पहाड़ में सुंदरता बहुत है, खूबसूरती बहुत है, आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत ये खेत लग रहे हैं, कितना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। ये है सांगुड़ की तया का, मैं आपको और दिखा तो सांगुड़ की तया का और सांगुड़ के गांव का थोड़ा दृश्य। और ये हम अभी बढ़ रहे हैं अपने गांव कोटली से सावणा की तरफ को, मतलब जो है तया में तो हम आ गए हैं सावणा की तया में, लेकिन आए थे हम अपने घर की तरफ से कोटली सिलोर महादेव से। और दोस्तों ये देखिए आप कैसा झाड़ झाड़ हो रखा है, और पहले से जब लोग प्रॉपर तरीके से खेती करते थे तो उस वक्त अपने खेत के आसपास जो जो मीन कहते हैं हमारे उधर में जो बाउंड्री वगैरह होती थी आपके खेत की, तो वहाँ कुछ भी उस पर जो है वो झाड़ वगैरह पताड़ या कूरी वगैरह ऐसे होती थी कुछ नहीं रखते थे, लेकिन आजकल अब सब कुछ छूट गया है तो बस आपको खेतों के साथ ही साथ जो है उसके जो मेड़ होती है उस पर दिखेगी झाड़ ही झाड़ जो कि काटी नहीं गई है। और दोस्तों रास्ते भी चलन से बाहर हो गए हैं, तो अब रास्तों के किनारे भी आपको इतना सारा झाड़ दिखेगा, घना दिखेगा। और अगर रात अधरात कभी आप इधर को आते हैं तो आपको डर लगता है ऐसे रास्ते से गुजरने में कि कहीं बाघ सुअर जो बाघ कहते हैं उसको तेंदुआ वगैरह तो नहीं छुपा हुआ है, ऐसी स्थिति में तो ये डरने लायक ही है। और जब आप इससे बाहर निकलेंगे तो आपको लगेगा कि वाह क्या शानदार नज़ारा है। तो दोस्तों ये है सांगुड़ा की तया से खूबसूरत नज़ारा, सांगुड़ा गांव का बहुत ही सुंदर, और बिल्कुल ऊपर टॉप में तया में है ये मैदान में है, बहुत ही शानदार नज़ारा, कितना खूबसूरत लग रहा है। इसीलिए दोस्तों आप भी आइए अपने गांव और ऐसी सुंदरता का जो है लाभ उठाइए, आनंद उठाइए। और मेरा लोगन जो है आ रहा है वापस, उसको लग रहा है कि मैं वापस इधर से तो जा नहीं रहा हूँ, तो इसलिए लोगन वहाँ से वापस आ रहा है, लेकिन हम आगे को बढ़ते हैं। और देखिए आप शानदार नज़ारा यहाँ का, बहुत ही खूबसूरत। लेकिन गेहूँ वगैरह जो थे लोगों ने जल्दी जल्दी में, जब बारिश वगैरह नहीं कुछ नहीं हुआ तो वो काट करके अपने जानवरों को जो है खिला दिया है, और अब जो थोड़ा बहुत बचा हुआ गेहूं उसको काट रहे हैं, और अगर हो सकता है कि उसमें से थोड़ा सा दाना निकल जाए तो कुछ अपने खाने के भी काम आ जाए। और उधर काट रहे हैं गेहूं, लेकिन खेत सारे कट गए हैं, साफ हो गए हैं, पहले ही जानवरों को अपना काट के खिला चुके हैं। और ये शानदार नज़ारा दिखता है दोस्तों पहाड़ों का, इतना खूबसूरत और पहाड़ों का। और ये नज़ारा तो वैसे भी मेरे गांव साइड का ही है सिलोर महादेव का, और
सांगुड़ा की तया का। तो हम बढ़ रहे हैं सांगुड़ा गांव के अंदर को। अब तो यहाँ तक तो हम पहुँच गए हैं, अब पहुँचते हैं गांव में। ये देखिए बहुत शानदार नज़ारा, और लोग बात लगे हुए हैं अपने गेहूँ। वही तो घास तो बूढ़ी श्रेणी तक काम करने रहे दोस्तों। देखिए और बुढ़े बुढ़े लोग जो है दोस्तों गांव में काम करते हैं, और बाकी लोगों के बारे में हम क्या कहें बात। हाँ तो ये गढ़ौत देखो कतर भाग गढ़ौत काम धर रहे हैं। वही तो अब जो है ना पा आप क्या कर सका, अब जो है ना अब ऐसा कठोर रह गई है। अब पहली बेटी हंसी तो भैया जो ना हंसी धान और फुल फुल कठोरा हंसी फॉर्म में, और अब के नाते सब गोर भैंसू को खवानी और फॉर्म रह गई अपन फॉर्म जैसा रह गई अभी। अब फॉर्म ऐसा रखने तो। और दोस्तों एक वक्त में होता था कि बहुत बड़े बड़े खेत होते थे, काम पूरा नहीं हो पाता था, तो लोग साथ देने के लिए आते थे। और आप देख सकते हैं इतना सा ये गेहूं है, और गेहूं काटने वाले जो है लोग तीन तीन लोग लगे हुए हैं, और इतना सा गेहूं है। हाँ और दोस्तों और अब देखने वालों की ज्यादा वो है कतार। आप देख सकते हैं उधर बुड्ढे बड्ढे लोग देखने आए हैं कि कितने कितने गेहूं हो रखे हैं करके। ये देखो मैं आपको उनके पास लेकर के चलता हूँ, और ये है देखने वाले। ये देखो ये जो छे नहीं गेहूँ काटनी देखनी से नहीं, और यो यो देखो अब उनको उनको लाग रहा कि भैया ये लोग बात कह ये क्या काम नहीं करना है, वो उठ गई हूँ अब। अरे जो नहीं क्या काट था वही तो। और क्या, और इधर देखो ये, हाँ ये इधर ये इतने गेहूँ हैं ये। तो दोस्तों ये है सावण की तया में जो घर के आसपास के खेत हैं, ये उनका हाल देखिए आप। उनका भी हाल जो है बेहाल है, और सारे खेत जो है इधर ये भी बंजर ही हो गए हैं। पूरे गेहूं वगैरह सारे सूख चुके हैं, कुछ भी नहीं है। और ये जो आपको दिख रहे थोड़े से छोटे छोटे गेहूं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत पहाड़ हमारे। और ये शानदार पॉली हाउस लगा हुआ है, और ये है गांव का शानदार नजारा सांगुड़ा गांव का। तो दोस्तों गांव में रह करके जो है सारे काम करने पड़ते हैं। अब ये गढ़ौ लेकर के गेहूं का गढ़ौ लेकर के जाता हूं घर को, और फिर इसको मैं सुखाऊंगा, उसके बाद चूटूंगा, और जो गेहूं निकलेंगे उनको चक्की में ले जाऊंगा पिसवाने के लिए, और फिर रोटी बना करके फिर गेहूं की रोटी खाएंगे। हाँ वही तो पा, और बिल्कुल यस गेहूँ है ना निकले भल गुद गेहूं। अपन यही ओहो। तो दोस्तों गेहूं आ गए हैं घर पर। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको दिखाया सिलोर महादेव की सावण की तया में बिन बारिश पहाड़ में खेती का हाल। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें।